हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बहुत से लोग मेरे को ये कह रहे थे कि ये जो फैब्रिक की पतंग आपने बनाई ये नहीं उड़ सकती। क्यों नहीं उड़ सकती बच्चों, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। और अभी अभी मैंने उड़ाया है एक फैब्रिक की पतंग को। इसको अभी छत से उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही हेवी पतंग है। और आप देख सकते हो अभी ये आपको छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसको पतंग को उतारता हूँ। इस पतंग को अब मैं उतारता हूँ और आप देखना कि ये कितनी बड़ी पतंग है। जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत बड़ी पतंग है। बहुत से लोग मेरे से कह रहे थे कि फैब्रिक की पतंग उड़ नहीं सकती इंडिया में। मैं इसको धीरे धीरे नज़दीक जैसे लाता जाऊँगा आप देखना, ये काफ़ी बड़ी पतंग है और ये फैब्रिक की बनी हुई है, ये उड़ सकती है। ये हमने बनाई है खुद। अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी पतंग है, देख रहे हैं आप। अब इसको मैं फिर से दूर कर देता हूँ। ये बच्चों उतनी ही अच्छी उड़ सकती है जितनी मार्केट की पतंग उड़ती है। जबकि जहां से मैं ये पतंग उड़ा रहा हूँ, इस छत के पीछे एक बहुत बड़ी छत है, इस करके हवा जो है इस पे प्रॉपर नहीं लग पा रहा है। ठीक है, देख रहे बच्चों ये कितनी बड़ी पतंग है। बच्चों ये पतंग जो है ये इतनी ही बड़ी है, जितनी बड़ी ये पतंग है आपकी, इतनी ही बड़ी पतंग है ये, इतनी बड़ी पतंग है ये। ये दोनों पतंग सेम साइज की है, डिजाइन डिफरेंट है और बहुत ही स्मूथ उड़ती है। अगर इसको हवा बहुत ज्यादा तेज हवा मिल गया तो ये पतंग जो है इस धागे से टूट के निकल जाएगी, क्योंकि इसका धागा नायलॉन होता है, जो अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि हवा मीडियम है। मेरे को गूगल से सर्च करके पता लग गया था आज हवा मीडियम रहेगी, तो इस करके मैंने अभी। आप देख रहे कितनी अच्छी उड़ रही है। अब इसको मैं फिर थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, फिर मैं उतार करके आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी बड़ी पतंग है। अब इसको थोड़ा दूर जाने देता हूँ। अब मैं बच्चों इस पतंग को पूरा उतार लेता हूँ, पूरा उतार के आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी पतंग है। ये काफी बड़ी पतंग है और बहुत ही स्मूथ उड़ती है, इतनी स्मूथ उड़ती है कि आप इसको उड़ाओगे तो बहुत आपको इसको उड़ाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए, अब मैं इसको पूरा उतार देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये कितनी बड़ी पतंग है, आप खुद देखिए। ये बच्चों जो ये पतंग है ये 5 फीट की है, और वो जो पतंग अभी आपको मैंने दिखाई थी वो भी 5 फीट की थी। और जो मेरे पास इसमें सबसे बड़ी पतंग है वो मेरे पास 26 फीट की पतंग है, 26 फीट की ह्यूज। उसको मैं छत से नहीं उड़ा सकता, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी मैदान में लेके जाना पड़ेगा और उसको किसी गाड़ी के बम्पर में बांध करके, और उसको तभी हम उड़ा सकते हैं। लेकिन और उसको उड़ाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए होते हैं, क्योंकि अकेला उसको उड़ाना बहुत रिस्क रहता है। और या तो किसी पेड़ में बांध करके, किसी पेड़ में पीछे कर उसका रस्सी का हिस्सा जो है पीछे पेड़ में बांध करके तभी उसको उड़ाया जा सकता है, ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता है। जैसे ये पतंग और ये वाली पतंग, ये दोनों सेम साइज की है। ये पतंग और ये पतंग सेम साइज की है। अभी मैं आपको बच्चों दूसरा पतंग भी उड़ा के दिखा सकता हूँ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा पतंग दिखाऊंगा कि वो पतंग कैसे उड़ती है। अभी मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू बच्चों, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आपको मैंने ये पतंग उड़ा करके दिखाया तो इसका मतलब ये है कि ये पतंग उड़ सकती है। जिन लोगों के मन में ये था कि ये पतंग नहीं उड़ सकती कपड़े की पतंग, लेकिन कपड़े की भी पतंग उड़ सकती है। और
आपके कागज की भी उड़ सकती है, और जो हमने आपके पैकिंग पेपर में पतंग बनाए हैं जो आपने पीछे हमारे वीडियो में देखा, वो भी उड़ सकती है, सारी पतंगें उड़ सकती है। अब मैं बच्चों इस वीडियो को बंद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।